राष्ट्रपति फुले लाल सलाम और जय अहिंसा जय खादी। आप जानते हैं कि हम सब लोग इस देश में किस तरह की त्रासदियाँ झेल रहे हैं और इस त्रासदी झेलने के खिलाफ हम सबको एक साथ आना होगा। इस रिस्पेक्टिव कास्ट क्लास जेंडर किस भी मुद्दे पे हम काम करते हैं, हम अपने अपने मुद्दों पे काम करते हुए जमीन पर लोगों के साथ जुड़ना होगा ताकि हम उनको शिकस्त दे सकें। और मुझे लगता है कि कर्नाटक से हमारे जो दलित लेखक हैं, बहुजन लेखक हैं, कांचा लैला पर भी हमला बोला गया है, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी अपनी 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 विरासत के साथ बात करते हैं, अपने इतिहास के साथ बात करते हैं, अपनी जनता के साथ बात करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, संविधान हमें हक देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति दें। हमें हर तरह की संविधान ने आज़ादी दी है। मैं उस पर एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ और अपनी हम नागरिक हैं उस देश के, जिस देश का संविधान देता है हक हर नागरिक को अपने बौद्धिक विकास और अभिव्यक्ति का। हम नागरिक हैं उस देश के, जिस देश का संविधान देता है हक हर नागरिक को अपने बौद्धिक विकास और अभिव्यक्ति का। संविधान देता है हक, संविधान देता है हक भाईचारा कहना का, बंधु लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी का। नकार देता है संविधान पंथ लिंग वर्ग जाति की तानाशाही को। हम लड़ते हैं अपने हकों के लिए, चलती है कलम शोषण के विरुद्ध, चलती है कलम शोषण के विरुद्ध। अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा मजदूर छात्र महिला और थर्ड जेंडर के पक्ष में तुम हमारी कलम से भी डर जाते हो, तुम डर जाते हो हमारी कलम से। तुम्हारी तानाशाही गोलियों की क्रूर गूंज, तुम्हारी तानाशाही गोलियों की क्रूर गूंज बैराती सामंती करवाए। उस दिन झुक जाएंगी जब हम मिलकर, उस दिन झुक जाएंगी जब हम सब मिलकर एक मजबूत, हम एक मजबूत दीवार बन जाएंगे। जनता जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे हमें खत्म करने वालों, जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे हमें खत्म करने वालों। एक दिन अपने ही जाल में फंस जाओगे, जनता देगी जवाब तुम्हें, बैलेट पेपर होगा तुम्हारी तानाशाही का जवाब। जय जय साक्षी जय फातिमा जय विशाल लाल सलाम।